भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की मंडी संसदीय क्षेत्र की वर्चुअल रैली शिमला के भाजपा मुख्यालय दीप कमल चक्कर में संपन्न हुई। इस वर्चुअल रैली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल मुख्य वक्ता रहे। उनके साथ केंद्रीय वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर विशेष रूप में उपस्थित रहे। इस वर्चुअल रैली की अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में जयराम ठाकुर अद्भुत कार्य कर रहे हैं। पिछले 3 साल में बड़ी तेजी से कार्य हिमाचल में हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ी है और एक मिसाल बनकर सामने आया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रयासों की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य वित्त मंत्री 24 घंटे तत्पर रहकर कार्य कर रहे हैं और वित्त का कार्यभार अच्छे रूप से संभाल कर बैठे हैं। उन्होंने प्रदेश के अंकुश जो कि 21 वर्ष की छोटी सी आयु में वीर गति को प्राप्त हो गया उसको नमन किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। जिस प्रकार देश अपनी सीमाओं को लेकर चाइना के विरुद्ध खड़ा है वह केवल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही संभव था। प्यार टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।